तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ रिएक्ट सीरीज। आज हम देखेंगे कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आपने हायर ऑर्डर फंक्शंस देखा होगा जावास्क्रिप्ट में। रिएक्ट में हम बात करते हैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट, इसकी बेसिक सी डेफिनेशन, इज अ कंपोनेंट विच रिसीव्स अ कंपोनेंट एंड रिटर्न्स अ कंपोनेंट। ये क्या है, रिटर्न्स अ कंपोनेंट? ये कैसी बेकार सी डेफिनेशन, कुछ समझ में नहीं आया भाई। एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट भी एक कंपोनेंट ही है जो एक कंपोनेंट को रिसीव करता है, उस पर कुछ काम करेगा, कुछ उसमें ऐड करेगा, डिलीट करेगा, कुछ भी एडिट करेगा उस कंपोनेंट में, एंड उसका एडिटेड वर्जन, न्यू वर्जन रिटर्न कर देगा। इसकी हमें ज़रूरत क्या है? लेट्स से मेरे को एक दो कंपोनेंट्स चाहिए जिनका एकदम सेम काम है, ऑलमोस्ट सेम कोड है, बस कुछ कुछ चेंज करना है। क्या कह रहा हूँ मैं? लेट्स से ये मेरे पास एक कंपोनेंट है, यहाँ पे एक ये बटन है, यहाँ पे कुछ बॉक्स है, यहाँ पे कुछ डब्बे हैं, यहाँ पे कुछ डब्बे हैं, ऐसा कुछ ये कंपोनेंट है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे एक और कंपोनेंट चाहिए सेम ऐसा ही, एंड यहाँ पे इसकी जगह कुछ और अलग डब्बा चाहिए, कुछ ऐसा डब्बा चाहिए, रेड कलर का डब्बा चाहिए, कुछ भी चाहिए, एक सेम कंपोनेंट विथ सम माइनर चेंज। तो रैदर देन रिपीटिंग माई सेल्फ कि भाई सेम कोड में दोबारा लिखूँ यहाँ पे और उसमें यहाँ पे कुछ एडिट कर दूँ। हम प्रोग्रामिंग में एक चीज़ यूज़ करते हैं, ट्राई यूज़ नहीं करते, मतलब कहते हैं कि ट्राई डोंट रिपीट योर सेल्फ। अगर आपको खुद को रिपीट करना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपको कुछ स्मार्ट वर्क करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कह देता हूँ कि भाई ये मेरा कंपोनेंट था, कंपोनेंट, इसको मैं एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट से भेजूँगा, तो ये मेरे को एक अलग कंपोनेंट देगा, कंपोनेंट डैश, जिसके पास कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट ने डाली होगी। मतलब मैं दो कंपोनेंट, या लेट्स से मुझे पांच कंपोनेंट चाहिए, यहाँ पे मुझे ग्रीन का डब्बा चाहिए, कुछ अलग डब्बा चाहिए, तो मैंने एक कंपोनेंट बनाया, उस कंपोनेंट को मैं एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट से पास करूँगा। हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या करेगा, कुछ कंडीशन चेक करेगा, और उस कंडीशन, मतलब कुछ तो कंडीशन होगी ना कि यहाँ पे मुझे ये चाहिए, यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर का चाहिए, कुछ भी, मतलब कुछ माइनर माइनर डिफरेंसेस, तो वो इस कंडीशन को चेक करेगा एंड उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिट कर देगा कि भाई कौन सा चाहिए। तो दिस इज सिंपली अ हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट। कुछ एक कॉम्पोनेंट लिया, कंडीशन के बेसिस में उसमें कुछ अल्टरेशन करी, कुछ मॉडिफिकेशन करी, एंड एक न्यू वर्जन ऑफ द कॉम्पोनेंट रिटर्न कर दिया। बस क्यों यूज़ होता है, जब भाई सेम कॉम्पोनेंट्स हमें चाहिए विद सम माइनर डिफरेंसेस, रैदर देन रिपीटिंग आर सेल्स, हम एक हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट यूज़ कर लेते हैं जो कुछ चेक लगा के हमें एक अपडेटेड कॉम्पोनेंट दे देता है। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो कुछ कोड देखते हैं। एक नॉर्मल ऐप है, फ्रेश ऐप, यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, बटन डॉट जे एस। यहाँ पे एक सिंपल सा बटन, या बटन भी छोड़ो, यहाँ पे एक सिंपल सा एक हेलो, ठीक है। ऐप में मैं इस कंपोनेंट को ला रहा हूँ, अभी ये मैं बहुत छोटा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट काम कैसे करते हैं। आप ये सोचोगे कि यहाँ पे तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट की ज़रूरत ही नहीं है, वो बात गलत है। यहाँ पे मैं उस दिखा रहा हूँ हायर ऑर्डर कंपोनेंट का मतलब क्या है, वो काम कैसे कर रहे हैं। ये एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है, मैं मानूंगा। एक मैंने बटन बनाया और सेम वही बटन बना देता हूँ नीचे, तो ये एक डिव है जो हेलो रिटर्न कर रहा है, बस सिंपल सा। एंड यहाँ पे मैं कुछ डाक भेज देता हूँ कि ये वाला बटन जो है मुझे डाक चाहिए, ये वाला नॉर्मल चाहिए। अब यहाँ पे मैं वो डाक के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी डिज़ाइन कर सकता हूँ, मुझे यहाँ नहीं करना, मेरे को हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट सीखने हैं। तो यहाँ पे प्रॉप्स मिलेंगे कुछ, एंड यहाँ पे कुछ स्टाइल मिलेगा। अब एक हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट बनाते हैं, HOC, हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट डॉट JS, ठीक है। नॉर्मल एक फंक्शनल कंपोनेंट, एंड यहाँ पे इसको एक कंपोनेंट मिलेगा जिसके अराउंड ये रैप हो रखा होगा, रैप्ड कंपोनेंट।
फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है जी। अब ये रिटर्न करेगा एक फंक्शन, फंक्शन में कुछ आर्ग्यूमेंट्स आएंगे एंड उन आर्ग्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग हम कुछ चेंजेस करेंगे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, लेट से कॉन्स्ट टाइल्स डार्क इक्वल्स बैकग्राउंड एंड कलर कहते हैं कुछ वाइट, ठीक है। मतलब अगर डार्क मैंने किसी को स्टाइल दे दिया तो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा एंड कलर उसका वाइट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे इफ आर्ग्यूमेंट्स में कुछ डार्क है, अगर लेट्स से एक टेम्प ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि अभी के लिए खाली है, एंड अगर डार्क है तो टेम्प में मैं डाल दूंगा स्टाइल्स डॉट डार्क। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट एंड इन दिस ऑब्जेक्ट मैं आर्ग्यूमेंट्स भेज देता हूँ एंड स्टाइल्स में अपना स्टाइल भेज देता हूँ टेम्प। अब क्या करना है, रिटर्न करना है अपना कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट जिसको आपने रैप कर रखा है, उस रैप्ड कंपोनेंट को कर दो रिटर्न। ऐसे करते हैं हम कंपोनेंट को रिटर्न, एंड यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भेजने मेरे को, यहाँ पे मुझे जो मैंने अपने आप जो आर्ग्यूमेंट्स में चेंजेस करे वो मैंने यहाँ पे स्प्रेड करा के भेज दिया, सिंपल। अब इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा, बटन पे जाता हूँ, यहाँ पे से इंपोर्ट करता हूँ इंपोर्ट HOC। अब मेरे को यहाँ पे देखा कि भाई सेम बटन मुझे अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग टाइप का चाहिए, यहाँ पे HOC एंड बटन को HOC के अंदर रैप कर दिया। एंड यहाँ पे अब मैं स्टाइल दे सकता हूँ इसे क्योंकि मैंने वहाँ से स्टाइल भेज दिए। स्टाइल कहाँ से आएंगे इसके पास, प्रॉप्स डॉट स्टाइल, स्टाइल नाम दिया मैंने, स्टाइल जिसे स्टाइल कहते हैं। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जो मैंने स्टाइल के अंदर भेजा है वो इसे यहाँ मिल जाएगा, प्रॉप्स के अंदर, स्टाइल के अंदर। अब अगर मैं चेक करूँ तो ये ऐसा आ गया, यहाँ पे हायर ऑर्डर कंपोनेंट से मैंने सेम कंपोनेंट को पास करा दोनों ऊपर जगह, दोनों जगह सेम कंपोनेंट को पास करा। ऊपर वाले ने कुछ मैंने यहाँ पे डार्क भेजा था, कहाँ पे, ऐप डॉट जेएस में, यहाँ पे डार्क भेजा था, उसने डार्क ने एचओसी ने मेरे हायर ऑर्डर कंपोनेंट उसने डार्क को पकड़ा एंड उस डार्क के अकॉर्डिंग उसके स्टाइल अपडेट कर दिए एंड वो अपडेटेड स्टाइल यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया, सिंपल। तो ऑर्डर कॉम्पोनेंट इज़ अ कॉम्पोनेंट विच डू सम चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस और आर्ग्यूमेंट और प्रॉप्स एंड रिटर्न द मॉडिफाइड कॉम्पोनेंट और द न्यूअर वर्जन ऑफ द कॉम्पोनेंट, सिंपल। तो दिस इज़ योर हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।